दिल तुला प्रणय प्रेम खूप चांगला गुणलेखक आहे. जावले टीम साठी बिग सपोर्टिंग करण्यासाठी इथे उपस्थित आहे. आणि प्रेम पाटील भोलाशेट पाटील यांचं जी नाईट स्पर्धा आहे त्यामध्ये देखील त्याला आमंत्रण आलंय. लगेच फिक्स झालेले आहे टुर्नामेंट. कारण हेच आपलं काम आहे, आपल्या कला गुणांनी मिळवता येतं हे काम. आणि हे आज कलाकार पंच असतील कलेच्या जोरावर, अगदी त्यांच्या कौशल्यच्या जोरावर हे पंच देखील आहेत. कॉमेंटेटर्स असतील, गुणलेखक, सर्वांना आता काम मिळत आहे. टेनिस क्रिकेटच्या जगतामध्ये सर्वांचं आपण कौतुक करूया. चला मॅच सुरू करायची आहे. फलंदाज पाठवा निलेश फोर्ट जावळे टीमचे दोन सलामीचे फलंदाज. तीन षटकांचा मॅच, रूल्स अँड रेग्युलेशन कंटिन्यू तेच असतील, परंतु आता थोडा घाई करण्यासाठी आपल्याला आयोजक सांगतीलच. सलामीची जोडी मैदानात, निलेश इलेव्हन जावळे टीमची विस्फोटक फलंदाज जोडी, मनीष कडू आणि प्रसाद घरत मैदानात दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. टाळ्यांच्या आवाजात ही जोडी मैदानात उतरली आहे. आणि केडीएच वाघिवली वाडा स्ट्रॅटर्जी रणनीती डावपेच रचत असताना मुख्य मैदानावर खेळपट्टीच्या बाजूला. चला क्षेत्ररक्षण सजवा आणि मॅचला सुरुवात करूया. सेमी फायनलचा हा सामना सुरू होतोय, ऐकूया साई राजे यांना. तो बहुत बहुत शुक्रिया रिवॉल सर, आपका भी एक बेहतरीन कॉमेंटेटर्स और बेहतरीन क्रिकेट और बेहतरीन गेंदबाज टैलेंट हमारे रिवॉल मात्री के सर में कूट कूट कर भरा है. आज हमें कॉमेंट्री करने का मौका मिला, उनका भी हम आभार व्यक्त करेंगे. चले दोस्तों क्रिकेट के सदावर में दर्शन पाटिल है गेंदबाज, हमेशा मैंडेटरी पावर प्ले में सक्षम गेंदबाज गए होती है. स्वर्गीय नारायण शेट स्मृति वागिलवाड़ा टीम ने यहां से जीता टॉस और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. यहां से बल्लेबाजी करते हुए जावली टीम की आरंभिक जोड़ी सेमीफाइनल. गेंदबाज तैयार, स्ट्राइक गेंद के ऊपर बल्लेबाज है प्रमोद घरत और मनीष कडू. ये जोड़ी मैदान के अंदर जय और वीर की जोड़ी. गेंदबाज तैयार, दर्शन पाड़े के लिए पहली गेंद उड़ाया, गेंद हवा में बातें करते हुए फील्डर है वहां पे उसी दिशा में तैनात है और एक आसान सा कैच बल्लेबाज के पारी का खात्मा लगता हुआ प्रमोद गरत बैक टू द डगआउट. मैन ऑफ द सीरीज रेसिंग में है और उमदा कैच पकड़ा, ऐसा लग रहा था गेंद जाएगी बाउंड्री रेखा के बाहर. गेंदबाज तैयार, इस बार बल्ले के बीच बीच वेरी शुड साउंड गेंद जाएगी वन बाउंस आउट ऑफ द बार ओवर द रोप चार रनों के लिए. के ऊपर यहां से चार रन जब बल्लेबाजी तैयार, गेंद जाएगी डीप मिड विकेट के रीजन में, फील्डर है वहां पे बेहद मिलेगा सिंगल. सिंगल के साथ टीम का टोटल यहां से बढ़ता हुआ पांच रन. मनीष कड़ू और सागर गरत की जोड़ी मैदान के अंदर. लेफ्ट हैंडेड के बल्लेबाज है मनीष, मनीष में दमखम है. लेफ्ट हैंडेड के बल्लेबाज खूंखार शिकारी है, हमेशा बल्लेबाजी करने में लंबे छक्के उनके बल्ले सामने देखे. गेंदबाज तैयार, इस ओवर की अगली गेंद, तीन गेंदे फेंके, तीन गेंदों के ऊपर पांच रन कर चुके दर्शन पाटिल ने. देखिए फील्डिंग की रचना है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है. देखिए
डीप मिडिकेट के रीजन में और एक लॉन्ग ऑन और लॉन्ग वॉक पे बीच में शायद दर्शन पाटिल गेंदबाज थे ज्ञान और मनीष इस बार स्ट्राइक इन के ऊपर। टीम का टोटल है 5। उड़ाया गेंद हवा में बातें करती हुई फील्डर आएंगे और यहां से भाग्यश्री वहां पे और बल्लेबाज मनीष के पारी का खात्मा। खात्मा होता हुआ जबरदस्त है। सेमीफाइनल का ये मुकाबला खचाखच भरा हुआ है। मैदान स्वर्गीय आशीष भोज स्टैंड पूरी तरह से भर चुका है। सभी दर्शक मैच का लुप्त उठाते हुए सेमीफाइनल का मुकाबला और पहली बार यहां से चार की 3 ओवर का यह मुकाबला है। गेंदबाज सैया टीम का टोटल है 5। अब बल्लेबाज है राहुल गरत। गरत ब्रदर्स जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ से करनी होगी क्योंकि बात करेंगे ना सागर गरत ने एक चौवा जरूर दागा है। अब स्ट्राइक इन के ऊपर आएंगे नए बल्लेबाज राहुल भी लेफ्ट हैंड के एक जबरदस्त आक्रामक बल्लेबाज है। दमखम है इस बल्लेबाज में भी। ऑन साइड में खेलने की कोशिश कर रहे थे गेंद जाएगी डीप मिडिल के जोन में। फील्डर आएंगे उठाएंगे फेंकेंगे तब तक के लिए यहाँ से सिंगल रन यहाँ से मुकम्मल होती है। टीम का टोटल यहाँ से बढ़ता हुआ स्कोर बुक के ऊपर 6 रन। सही डेफिनेटली खरं तर आपण पाहिलं ना तर प्रत्येक बॉलवर आता अटॅकिंग बॅटिंग पाहायला मिळेल कारण 3 ओव्हरचा मॅच आहे। 18 बॉल फक्त तुमच्या वाट्याला असतील आणि त्या 18 बॉल म्हटल्यावर तुम्हाला प्रत्येक चेंडूवर अक्षरशः तुटून पडावं लागेल फलंदाजी करताना। डेफिनेटली क्योंकि सामने जो टीम है काफी ताकतवर टीम है। गेंद हवा में बॉलर आएंगे गेंद के नीचे एक और सफलता तीसरा विकेट मैदान से बाहर जबरदस्त गेंदबाजी ये इस बार तीसरी सफलता सागर की पारी का खात्मा। सैराज आपण पाहिलं तर प्रत्येक चेंडूवर अगदी लॉन्ग हिट मारण्याच्या मैदानात बरेच फलंदाज बाद होताना 3 गडी आतापर्यंत बाद झालेत म्हणजे प्रत्येक बॉलवर अटॅक अटॅक आणि अटॅक पाहायला मिळतं आणि त्याच परिस्थितीमध्ये बरोबर मात्र विकेट मिळतायत या वाघिवली वाडा टीमला। इथे 3 गडी बाद झालेत आणि थोडी बिकट अवस्था निर्माण झाली ती म्हणजेच निलेश 11 जावले टीमची सुरुवात बेहतरीन। देखिए जो आरंभिक बल्लेबाज है 3 बल्लेबाज यहाँ से मैदान से बाहर जबरदस्त नबी तुली जहरीली गेंदबाजी मैदान के अंदर। अब सूरज पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार सामने बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर के बल्लेबाज राहुल के बल्ले से और ये मिस टाइमिंग एक और विकेट विकेट नंबर 4 मैदान से बाहर यहाँ से बल्लेबाज राहुल के पारी का खात्मा। मनीष कडू सागर गरत और राहुल गरत मैदान से बाहर। अब पूरी तरह से जिम्मेदारी होगी इस बल्लेबाजी के ऊपर। हल्के हाथों से ड्राइव किया है फील्डर है वहां पे एक और विकेट 2 चल में आया मैदान से बाहर संदेश बैक टू द डगआउट लगता हुआ ये 5वां करारा झटका।
कड़ू। इस बार एक तेज तरार गेंद थी, पलक झपकती गेंद विकेट कीपर के दास्तान में चलांग देती हुई टॉर गेंद की समाप्ति। ये देखिए जबरदस्त गेंदबाजी, नबीतुल गेंदबाज, दो गेंदों के ऊपर दो सफलता। सूरज ने आज का दिन पूरी तरह से दर्शकों का भी दिल जीत लिया है। लेकिन इस समय बात करेंगे ना, खराब बल्लेबाजी इस समय होती हुई जावली टीम की। देखिए जावली टीम के दर्शक भी नाराज रहेंगे शायद, जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे होंगे और जो उनके समर्थक है वो भी नाराज होंगे, क्योंकि शुरुआत काफी खराब हुई है। देखिए टीम के टोटल की बात करेंगे मात्रे सर, तो सिर्फ 6 रन है और आधी सेना मैदान से बाहर। अब जिम्मेदारी है बल्लेबाजों के ऊपर। ये देखिए तेज तरार गेंद थी और गेंद सीधा विकेट कीपर के दास्तानों में। ये देखिए 5 गेंदें यहां से डॉट, क्या इस प्रतियोगिता की मेडन ओवर होगी। एक बार जोरदार टले, गेंदबाज सूरज पाटिल के लिए कमाल की गेंदबाजी इस मैदान के अंदर। क्या होगा इस मैदान के अंदर, अंतिम गेंद यदि डॉट जाती है तो मेडन ओवर, जबरदस्त गेंदबाजी। अलग्यादर से पूछ किया, गेंद जाएगी डिप एक्स्ट्रा कोर की रीजन में। एक रन से संतुष्ट, इस बार दूसरी रन लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी सूरज की मैं तारीफ करूंगा। यहां से दौर का खेल होता हुआ समाप्त और दौर के समाप्ति के बाद टीम का टोटल है सिर्फ 7 रन। बिल्कुल, ये तीसरा गेंदबाज है इस टूर्नामेंट का जो एक सिंगल रन दे चुका है, गुलशन मात्रे ओले के बाद एक गेंदबाज और ये तीसरा गेंदबाज। बेहतरीन नबीतुल गेंदबाजी, दर्शन पाटिल ने जिस प्रकार की गेंदबाजी की उसी प्रकार की गेंदबाजी, उससे भी अच्छी गेंदबाजी से हम कहेंगे बेहतरीन। एक शेर है तो दूसरा बब्बर शेर है भाई, क्योंकि दो ओवर में देखिए पूरी तरह से आधी सेना मैदान से बाहर गया। अब गेंदबाज आएंगे बागेश्वर थे, शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद, इस बार देखिए विकेट के पीछे बेहतरीन फील्डिंग। अब सिंगल से आप अच्छे टोटल नहीं बना सकते मात्रे सर, यदि 5 गेंद के ऊपर आप 10 या 15 रन आते तो एक फाइटिंग स्कोर होगा इस मैदान के अंदर, क्योंकि सूरज ढलता जा रहा है। लेकिन जब गेंदबाजी अच्छी होगी तो बल्लेबाजी करने के लिए काफी दिक्कत होती है। गेंदबाज तैयार, बागेश्वर ने पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन दिया और टीम का टोटल यहाँ से 8 रन। 5 गेंदे आपके हाथ में है, 5 गेंदों के ऊपर आपको कड़क प्रहार बल्लेबाजी करनी होगी। और ये देखिए पलक झपकते गेंद सीधा विकेट कीपर के दास्तान में चलांग देती हुई, लगातार गेंदे डॉट होती जा रही, इसका नतीजा है नबीतुली गेंदबाजी। बागेश्वर टीम की पहचान है उनकी गेंदबाजी, जबरदस्त हर एक गेंदबाज ने इम्प्रेस किया। बागेश्वर लीजिए, दर्शन पाटिल लीजिए, सूरज पाटिल बेहतरीन गेंदबाजी। शॉट ऑफ लाइन की गेंद है, फील्डर है उस दिशा में, एक और विकेट टू चल में आया बल्लेबाज के पारी का खात्मा, लगता है 6 विकेट मैदान से बाहर। जबरदस्त है ये प्रतियोगिता, इनामी राशि पहले नंबर के लिए 1 लाख है और 2 नंबर के लिए 50,000 है और 3 नंबर के लिए 25,000। और ये देखिए आकर्षक ट्रॉफी, मैन ऑफ द सीरीज के लिए स्पोर्ट्स साइकिल है, बेहतरीन प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता में हमें कमेंट्री करने का मौका मिला हमारे रिवॉल्व मात्री सर, आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे। उड़ाया गेंद हवा में, मिस टाइमिंग, सुमित देवा पे एक और विकेट मैदान से बाहर। मात्र एका मागून एक गळतीच लागली या फलंदाजांची आणि 8 विकेट की 7 विकेट पाहायचे आहे। हा 7 पुन्हा एकदा स्कोरिंग मध्ये मिस्टेक, 7 विकेट गेले, 2 बॉल बाकी आहेत, लास्ट बॉल आता मात्र उर्वरित राहिले आहे। धावसंख्या 1 न वाढते, टोटल 9 रन्स।
नौ धावा धाव फलका लास्ट बॉल है षटकार आला तो 15 धावा होते परंतु षटकार सुरुवती बैट्समन बाद जाले हा स्लॉग इट चा फटका है कोण आहे रे तो चौकार आलाय परंतु पहा कोण आहे तो चार धावा आले थोडासा अडथळा निर्माण झाला होता मैदानात आपण बघितलं तर प्रेक्षक आता होता मैदानात हे त्याच्या कानाला जरा बाजूला करा पहिल्या सत्राचा खेळ समाप्त झाला धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते ती टोटल 12 म्हणजे 13 धावांचा आव्हान लो स्कोरिंगचा मॅच पाहायला मिळतोय स्वर्गीय नारायण शेठ स्मृती केडीएच वाघिवलीवाडा टीमची झालेली एक गोलंदाजी खट मारा चमकदार गोलंदाजी आणि गोलंदाजीच्या समोर मात्र फलंदाजांनी पूर्णपणे नांगडल्यात मी म्हणेन जखडून झाले कडले बेट झाले आणि प्रसाद गडकडून अपेक्षा होत्या परंतु तोच प्रसाद गडकड सुरुवातीला लवकरच बाद झाल्यानंतर संघ अडचणीत आला 3 ओव्हरचा मॅच होता कमीत कमी साहेब 30 धावांची अपेक्षा केली होती प्रेक्षकांनी देखील हा मॅच रंगतदार होण्यासाठी परंतु तसं झालं नाहीये टोटल धावा धावफलकावर लागल्यात फक्त 13 आणि तो चौकार आला त्यानंतर मात्र 14 धावांचं आव्हान राहिलंय 18 बॉल आणि 14 धावांची आवश्यकता मॅचचा आनंद घेताना जावल्या टीमचा या ठिकाणी संघ खेळत असताना आत्ताच विचार केला तर जावळे संघ खेळत असताना ज्या पद्धतीने त्या संघाला बिग सपोर्टिंग करणारे आमचे विजयजी घरत अरुण शेठ घरत यांचे बंधू विजयजी घरत देखील या मॅचचा आनंद घेत आहेत आणि नाराज झाले असतील विजय शेठ घरत देखील आता कारण जावला टीम खेळत असताना खरं तर महेश कडू विजय शेठ घरत ही सारी मंडळी मॅचचा आनंद घेतात चला चला लवकर बॅट्समन लालचंद गावण आपले बॅट्समन पाठवा अजून एक मॅच खेळायचा आपल्याला 3 षटकांचा चला चला बॉल द्या गाई करा लगेच 6 वाजलेत बघा 5:50 अरे कोणताही बॉल घ्या आता बॉल चेक करायची गरज नाही साहेब आता सूरज पाटील प्रतीक जोडी मैदानावर दाखल होत असताना पाहतोय अवघ्या 14 धावांचं आव्हान परंतु संध्याकाळच्या सत्रामध्ये लो स्कोरचा मॅच देखील खरं तर अगदी हाय व्होल्टेज होतोय हे देखील आपण विसरता कामा नये डेफिनेटली परंतु आपण पंचांच्या भूमिकेत आपण पाहिलं ना गणेश दादा सर असतील घाटकोपरचे नीरज दादा असतील त्यानंतर दत्ता महेर सर खूप चांगली भूमिका न्यायमूर्तीची भूमिका त्यांच्या माध्यमातून पाहिलं जबरदस्त योग्य निर्णय आणि कोणावरती देखील अन्याय होता का म्हणे हा त्याही घेतलेला ध्यास होता आणि खूप चांगली पंच आमची स्कोरर त्यांची पूर्ण टीम खूप चांगला गुड वर्क कीप इट अप जबरदस्त मॅच या ठिकाणी आपण पाहिलं आज रिवल म्हात्रे सरांच्या सेवेत आज आम्ही समालोचन करतोय तर रिवल म्हात्रे सरांचं देखील आम्ही या मनाच्या अंतकरणातून आभार व्यक्त करतो जाऊया मॅचच्या दिशेनं नक्कीच साई आपण पाहिलं तर जावले टीमनं टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग घेतली कदाचित तो निर्णय अंगलट आला की काय हे देखील पाहावं लागेल या मॅच मध्ये म्हणून तर लो स्कोरचा मॅच पाहायला मिळतोय 14 धावांची गरज पहिला ओव्हर पहिला गोलंदाज मनीष कडू टॉस बॉल डिफाइन लेगला अगदी चेंडू पहिलाच खेळलाय 4 धावांसाठी चौकार थर्व 11 गावदेवी कानपोळे टीमचा संघनायक सुधीर पाटील आपण लगेच यायचे आहे
पहला बॉल वर चौकार ऑन स्ट्राइक प्रतीक सुरते अपरकट खेळायचा होता फटका खरतर कवर ड्राइव च्या दिशेने हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु डॉट बॉल दुसरा बॉल डॉट जातोय खूप चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय पहिला क्रमांक दुसरा तिसरा क्रमांक ट्रॉफीज भास्कर शेट पाटील यांच्या स्मरणार्थ अभि पाटील यांनी दिलं बॅट बॉल फिल्डर्स ट्रॉफीज ज्या आपण पाहतोय त्या सर्व ट्रॉफ्या अरविंद धर्मा भास्कर यांच्याकडून देण्यात आलं लाऊड अफील पॅडवर आदळलाय मात्र इथे पंचांचा कोणताच निर्णय येतोय इथे लेगबायचा अर्थातच लेगबायच्या स्वरूपात मिळते एकदा पाच धाबा या स्पर्धेसाठी संपूर्ण बॉल्स तीन दिवस जी चेंडूंची पूर्तता केली ती आर डी वासकर यांचंही मनापासून आभार मानूया बॅट बॉल फिल्डर शूज देखील देण्यात आलंय म्हणजे बेस्ट बॅट्समन बेस्ट बॉलर बेस्ट फिल्डर शूज डी डी वासकर यांच्याकडून देण्यात आलेला आहे हा डॉट बॉल जातोय हेच बॉल फेकावे लागतील जावले टीमच्या गोलंदाजांना लो स्कोर जरी मॅच असेल तर एक एक डॉट बॉल या तीन षटकांमध्ये तुम्हाला नक्कीच पुन्हा एकदा या मॅच मध्ये परत आणेल सुरुवातीपासून थोडंसं नाराज केलं आमच्या प्रेक्षकांना सुरुवातीपासून नाराज केलं या जावले टीमच्या बिग सपोर्टर्सना जावले टीमनं हाफ ट्रॅकरचा बॉल आडव्या बाटनं खेळलाय स्लॉगिटचा हाफ फटका चेंडू जातोय संदेशकडे डीप मिडविकेट एरियाकडे मिळत आहेत दोन धाबे संघाची टोटल जाऊन पोहोचली आहे त्या एक चौकार एक सिंगल आणि एक डबल सात धाबा धावफलकावर अजूनही सात धाबांची गरज अजून एक मॅच खेळायचा आहे आपण बघितलं तर फक्त 10 मिनिटं राहिली आहेत 6 वाजायला म्हणजे 2 षटकांचा मॅच होईल कदाचित फायनलचा 3 षटकांचा होणार नाहीये 6 वाजलेत गारवा निर्माण झालाय थंडगार हवा सुटली आहे हा चेंडू गेम फिनिश करून देणारा अर्थातच अगदी जवळ येणारा विजय फक्त एक धावेची गरज स्कोर इज लेवल तीस चेंडू फेकले त्यानंतर एक षटकार बऱ्याच कालावधीनंतर पाहायला मिळाला कारण संध्याकाळचं वातावरण गारवा आहे दमट वातावरण निर्माण झालंय आणि कुठेतरी मोठमोठे फटके कमी पाहायला मिळाले एक धाव आता काढावी लागेल विजयासाठी ऑन स्ट्राईक प्रतीक सुरते आणि इथे हा विजय संपादित केलाय प्रसाद गोलंदाजीसाठी आला होता आणि सामना जिंकलाय स्वर्गीय नारायण शेठ स्मृती KDH वाघिवली वाडा फायनल मध्ये दाखल हार्दिक अभिनंदन चला लगेच टॉस साठी यायचंय लालचंद गावण सुधीर पाटील टॉस करून घ्यायचंय मी टॉस करण्यासाठी अशोकजी वासकर यांना विनंती करतोय आम्हाला बायसिकल मालिकावीर ज्यांनी दिली आहे 2 षटकांचा मॅच मित्र खर तर आयोजकांची काहीच चूक नाही लिहून ठेव आयोजकांची काहीच चूक नाही आहे फुंडे टीम उशिरा आली आणि अजून एक संघ कुठला उशिरा आला 2 संघ उशिरा आले होते आणि